Now move to question number 2. Employees of a company have been categorized according to their religious as given below. Religious diye gaye hain beta hame aur number of workers diye gaye hain. Humne kya pie chart banana hai is information ki use karke. Yahan pe aap correction kar lo. Yahan pe aayega others or 30. हमें गिवन किए गए हैं टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने दिए गए हैं 1080 एंड सेंट्रल एंगल का हम फॉर्मूला यूज करेंगे. सेंट्रल एंगल इज इक्वल्स टू कंपाउंड वैल्यू ओवर सम ऑफ द कंपाउंड वैल्यूज इनटू 360 डिग्री. हमें गिवन था रिलीजियस एंड नंबर ऑफ वर्कर्स. हिंदूज कितने दिए गए हैं 420 ओवर सम ऑफ कंपाउंड वैल्यू इंटू 360. तो हमारे पास ये सॉल्व करके आ जाएगा 140. अगेन मुस्लिम्स 300 को हम यूज़ करेंगे 300 ओवर सम ऑफ द कंपाउंड वैल्यू इंटू 360 डिग्री. हमारे पास क्या आ जाएगा 100 वैल्यू. अगेन सिखिज्म सिख की कितनी वैल्यू दी गई है 225 ओवर 1080 into 360 degree is equals to 75. Again, Christian 105 over 1080 whole multiply. यहाँ पे आप ये गलती मत कर लेना. आप क्या करते हो यहाँ पे 105 multiply with 360. यहाँ पे ये गलती मत करना. 105 over 1080 ये आपने पहले ये डिवाइड सॉल्व करना है उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 360 के साथ. तो हमारे पास आंसर आएगा 35 डिग्री. अगेन अदर्स 30 एंड वी विल हैव आंसर 10. नाउ द पाई चार्ट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द गिवन डाटा. स्टूडेंट्स पाई चार्ट को ड्रॉ करने के लिए हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे. स्टेप नंबर 1, ड्रॉ द सर्कल ऑफ एप्रोप्रिएट रेडियस. पहले हम सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे उसका रेडियस को मार्क करके. नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ वर्टिकल रेडियस एनीवेयर इनसाइड द सर्कल. वर्टिकल रेडियस एनीवेयर इनसाइड द सर्कल. वर्टिकल रेडियस हमने ले लिया, मार्क करेंगे. नाउ स्टेप नंबर 3, चूज द लार्जेस्ट सेंट्रल एंगल. कंस्ट्रक्ट अ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल हुज वन रेडियस कोइंसाइड विद रेडियस ड्रॉन इन स्टेप 2 एंड अदर्स रेडियस एज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू वर्टिकल रेडियस. देखिए पहले हम लार्जेस्ट एंगल लेंगे. तो लार्जेस्ट एंगल क्या आया था हमारे पास 140. अकॉर्डिंग टू स्टेप्स लार्जेस्ट एंगल हम इस टूल से मेजर करेंगे. वर्टिकल लाइन के ऊपर रख के लार्जेस्ट एंगल 140. और स्टूडेंट्स ये गलती मत करना, ऊपर वाला स्केल हमने देखना है, नीचे वाला नहीं. ऊपर वाला स्केल कितना आ गया 140. यहाँ पे हम मार्क करेंगे. और स्टेप्स में ये भी बात बोली गई है क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो क्लॉक ऐसे होती है ना, हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन पहले ड्रॉ करके यहीं से एंगल मार्क करेंगे. नेक्स्ट जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसी के ऊपर ही हम फिर से टूल रखेंगे. तो नेक्स्ट एंगल कितना दिया गया है हमें 100 डिग्री हम यहीं पे मार्क करेंगे. ये आ गया 90 और ये 100. अगेन
ड्रॉ की गई लाइन के ऊपर ही हम टूल रखेंगे। अगेन नेक्स्ट हमें एंगल कितना दिया गया है, 75। 75 पे हम फिर से मार्क करेंगे ऊपर वाला स्केल देख के, ये आ गया 75। के बाद हमें एंगल दिया गया है 35। वर्टिकल लाइन के ऊपर रख के 35 के ऊपर हम लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो अभी लास्ट वाला हम मार्क करके देख लेंगे, तो ये देखिए 10 डिग्री आ गया ना, ये कितना था 140 डिग्री, 100, देन नेक्स्ट 75, 35 एंड 10। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टेप नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अदर सेक्टर रिप्रेजेंटिंग अदर वैल्यूज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सेंट्रल एंगल। हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लिया था सारे एंगल्स, पहले 140, उसके बाद 100, डिसेंडिंग ऑर्डर में 75, 35 एंड 10। शेड्स द सेक्टर्स ऑब्टेन बाय डिफरेंट कलर्स एंड लेबल्ड देम एज गिवन ब्लो इन फिगर। आफ्टर कलरिंग इट हमें ऐसे फिगर मिलेगा। अगर आप कलर्स नहीं भी यूज करें तो आप पेंसिल वर्क से भी ऐसे बना पाओगे।